नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ एक रोटी और चीनी के इस उपाय से चमकेगी किस्मत, आज करें तो सुलझेगी हर समस्या। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से किया गया 1 रुपए का दान भी भाग्य बदल देता है। वैदिक ज्योतिष तथा लाल किताब में इस मान्यता के आधार पर कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से आप अपनी सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। ज़रूरत है तो केवल सच्चे मन से इन उपाय को करने की। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में। अच्छे दिन लाने का उपाय। श्राद पक्ष में रोज़ सुबह एक रोटी अपने पितरों के नाम से निकाल कर सुबह के समय किसी गाय को खिला दें। इस उपाय का तुरंत असर होता है और देखते देखते आपके बुरे दिन दूर होकर धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। हर समस्या को सुलझाने के लिए उपाय। अगर आटे में पीसी हुई चीनी मिलाकर रोज़ चींटियों के बिल पर डालें तो बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकी बजाते ही दूर हो जाती है। इस उपाय को खास राहु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस उपाय से राहु अपनी पूरी शक्ति के साथ आपकी मदद करता है और आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी स्वभाव में बदल देता है। अगर आपके व्यापार में मंदी आ गई या नौकरी में परेशानी आ रही है तो यह उपाय सबसे अच्छा उपाय है। किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी बहती नदी के जल में डाल दें। इसके बाद मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरी आर्थिक उन्नति के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करके धनागमन का रास्ता खोल दें। शीघ्र ही मंदी का असर जाता रहेगा और आपके व्यापार में जान आ जाएगी और धन के आगमन की गति में वृद्धि हो जाएगी। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है कि बुधवार के दिन एक तोता पिंजरे सहित खरीद कर लाएं तथा उस तोते को किसी खुले स्थान पर आज़ाद कर दें। तोता उड़कर जितनी दूर जाएगा उतना ही आपके व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। इस उपाय को आप एक बार से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं असाध्य बीमारी दूर करने के लिए। अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो या उस पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है तो इसके लिए लाल किताब में एक उपाय बताया गया है। इस उपाय में रात को 1 रुपए का सिक्का सिरहाने के नीचे रख कर सो जाएं। सुबह उठकर उस सिक्के को शमशान में फेंक दें और बिना पीछे मुड़कर देखें वापस आ जाएं। जल्दी बीमारी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।